खुदाम यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, जिसके फजल और रहम से हमें एक पूरा साल मिला, ताकि हम इस पिछले साल में 2020 में बेशुमार मुकाबले करते और बहुत चीज़ों पर हम गालिब आए। हम खुदाम का 2020 के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, और हम ये भी शुक्र करते हैं कि खुदा ने अभी एक और नया साल 2021 हमें दे रहा है। मेरी तरफ से आप तमाम सामईन को जो 2021 ईयर है, यानी आज का दिन नहीं सिर्फ बल्कि पूरा साल ही मुबारक हो, जिसका मतलब है वो बरकत का सबब बने और आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम हों जो उससे पहले कभी नहीं हुए। और इन तमाम बातों के लिए मैं खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस का शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू कि खुदा ने दुनिया में बेशुमार खुदाम खड़े किए हैं, खुदा की खादमे हैं, बहुत सी बेटे बेटियाँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, हर एज के लोग हैं, और खुदाम यीशु मसीह के रूह से भर कर वो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि मिशन एशिया जो है उसमें भी खुदा की एक बड़ी मुकद्दस टीम, खुदा के रूह से भरे हुए लोग, खुदा को प्यार करने वाले लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलकर इस बड़े चैनल को चला रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी और उसके जलाल और उसकी कुदरत को दुनिया में ज़ाहिर कर दिया जाए। और मेरी तरफ से मैं इस बात के लिए खसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर अपने अजीम खादम जो मेरे बेटे की तरह भी हैं, और उनकी मिसेस को, दोनों को, मिस्टर और मिसेस जिब्रान को, और उनकी सारी टीम को बहुत मुबारक देता हूँ। और ना सिर्फ उनको चैनल मुबारक हो, बल्कि उनको ये भी मुबारक हो कि खुदा ने इस साल उन्हें एक और नए मजा से भरने वाला है, एक नए काम करने वाला है, क्योंकि खुदा हर रोज़ ताज़ा है और नए नए काम करता है। इसलिए हम इस नए साल के लिए इतना खुशी से भरे हुए हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, और हम एक दिन नहीं, हम न्यू ईयर ही पूरा मनाते हैं, क्योंकि एवरी डे दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, ये पहला दिन होता है स्टार्ट का, और खुदा इसमें हमें बता देता है कि क्या क्या करने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि खुदा हम इस साल में खुदा हमें बहुत सारी बरकतों से माला माल करने वाला है। गॉड इज गोइंग टू गिव अस कंप्लीट विक्ट्री। हमने इस साल में बड़ी जंगें लड़ी 2020 में, बहुत मुसीबतें सहीं, बहुत मुश्किलें आईं, और कोरोना आया, कभी ये आया, कभी घरों में आया, बहुत सी डेथ्स हुई, बड़ा कुछ हुआ, और बहुत से मुझसे भी हुए, आप हैरान होंगे, फतह भी मिली, बड़े बड़े लोग अब पुलिस के हाथों से आज़ाद किए गए, जो बेहोश हो जाते थे, पूरी पूरी रात बेहोश जाते थे, और ऐसे ऐसे बीमार ठीक हुए, और लोगों को लाज ऐसी नेमत मिली, और खुदा ने हर तरह के मौजज़ात किए, और हमें रूहानी तौर पर खुदा ने बड़े बड़े तजर्बे दिए, रूहानी जंगों में और जिस्मानी तौर पर रूहानी आलम में, और वी नो सो मैनी पीपल हैड सो मच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। और ये साल बड़ी खुशी के साथ हम ख़त्म किया हमने 2020, और याद रखे कि साल में हमें आखिर पर बहुत बड़ी फतह मिली है, और खुदा ने उसके लिए कहा था कि बहुत यंग का साल होगा, और पिछला साल 2020 और इसमें बड़ी रूहानी जंग होगी, और लेकिन ये एक विक्टोरियस वॉरियर ईयर होगा, जिसमें जंग ही जंग चलेगी, विक्ट्री आएगी, और हम खुदा का शुक्र करते हैं 2020 ऐसे हुआ। लेकिन बड़ी प्यारी बात यह थी कि ये विक्टोरियस रहा, क्योंकि एंड पे खुदा ने कहा था कि आग आएगी पाकरू की, और मैं देख रहा हूँ कि जो 2021 है इसको हम शुरू ही नए साल को इसी तरह से कर रहे हैं, विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, वी आर ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, हम पाकरू की कुदरत से भरे हुए हैं, और अब इस आग को और ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदावन जो है वो हकीकत में भस्म करने वाली आग भी है, याद रहे, और वो अब्लीस और उसकी ताकतों को भस्म कर देता है, वो गुनाह को भस्म कर देता है, वो बदी को भस्म कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, और आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। फिर वो आग जब आप पर आती है तो वो आपको खुशी और बरकत देती है, कुदरत देती है, जज्बे देती है, और आपको इतनी कुवत से भर देता है कि आप उस पाकरू की कुदरत से भरकर खुशी मनाते हुए, शादमानी के साथ ज़िंदगी, फतेहमंद ज़िंदगी बसर करते हुए, कसरत की ज़िंदगी बसर करते हुए दूसरों के लिए बरकत का सबब बन जाते हैं। व्हाट अ वंडरफुल ईयर दिस इज़, कितना ज़बरदस्त साल है कि जिसमें हम दाखिली बरकतों के साथ हो रहे हैं, और हम गालिब आते चले जाएंगे, और आप इस साल में अपने लिए एक नए लेवल पर खुदा की कुदरत का, खुदा की रूहानी तजर्बे कर सकते हैं, खुदा के साथ रूहानी तजर्बे कर सकते हैं, यानी गहरे में, फेलोशिप में, आप कम्यूनियन में उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं, थोड़ा सा हम बाइबल से भी देखते हैं कि बहुत से क्रिसमस, बहुत से लोग ये नहीं समझते कि हम क्यों पूरे 8 दिन के बाद क्रिसमस को मनाते हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने मुकर्र किया है, और नया साल जो है बेशुमार लोग
दुनियावी तौर पर मनाते हैं, वो उन्होंने एक तरीका बनाया, त्यौहार बना दिया हुआ है, फेस्टिवल बना दिया हुआ है, उसमें शराबें पीते हैं, डांस करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं, बदकारियाँ करते हैं और बड़ी बदी के साथ वो नए साल में दाखिल होते हैं। लेकिन हम उस न्यू ईयर को नहीं मानते, हम न्यू ईयर इसलिए नहीं मनाते, हमारे मनाने का कुछ मकसद ही और है। और आज हम उसमें से थोड़ा सा किताब मुकदस में सीखते हैं, मुकदस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत जो उसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यसु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। खुदा के कलाम के उसके लिए हमसे बरकत मिले, आमीन। तो इसमें हम देखते हैं 8 दिन पूरे हुए, दैट मीन्स के पूरे 8 दिन के बाद, पूरे 1 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि नया साल होता है, 1 जनवरी होता है और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाइबल में हमें रेफरेंस मिलता है वो है यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ। इस पर कुछ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, एक बड़ा तराज ये है कि आप यीशु को कहते हैं फॉलो करते हैं, तो यीशु तो दाढ़ी भी रखता था, यीशु जो था उसने तो, उसका तो खतना भी हुआ, तो आप तो खतना ही नहीं कराते, आप खतने पर जोर ही नहीं देते। बेशुमार लोग इस बात को नहीं समझते कि यीशु मसीह शरीयत के तहत पैदा हुआ था, उसने शरीयत के सारे तकाजों को भी पूरा करना था जो खुदा की तरफ से लगाए गए थे, और वो ही एक कामल शख्स था जो शरीयत के अतबार से खुदा की नज़र में कामल और बेअब था, और उसको सब रास्तबाजी को पूरा करना जरूरी था जो कुछ शरीयत में, क्योंकि वह यहूदियत में पैदा हुआ था इंसानी तौर पर, क्योंकि वह यहूदी पैदा हुआ और उस फिरके में इसराइल में पैदा हुआ, तो उनकी जो शरीयत थी, उनको जो खुदा का कलाम दिया गया उसके मुताबिक 8वें दिन उसका खतना किया गया। इसलिए इसका ये मतलब नहीं कि हम यीशु को हर चीज़ में फॉलो नहीं कर सकते, इसका मतलब हम बिल्कुल नहीं सोचते कि यीशु दाढ़ी रखता, हम दाढ़ी रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे, यीशु चोगा पहनता तो हम भी चोगा पहनेंगे। बेशुमार मजहब जो हैं वो गलत गलत तलीमें लिए फिरते हैं और उनका भी लिबास सबके एक नहीं होता, लेकिन वो लिबास को उसके साथ अटैच कर लेते हैं। हालांकि हर कल्चर में, मैं बेशुमार बदमाशों को भी जानता हूँ, सॉरी टू से, मैं पूरी दुनिया में फिरता हूँ, बड़े बड़े बदमाश चोर उन्हें दाढ़ी रखी होती है और दाढ़ियाँ रख के पर्दा डालते हैं। मेरे पास बहुत से वाक्यात है जिंदा, मैं बॉर्डर यहाँ जब सॉरी मैंने की तो MSc पास की तो मुझे थोड़ी देर के बॉर्डर में ड्यूटी करनी पड़ी पाकिस्तान में, और वहाँ पर एक आदमी आया तो वो लंबी उसने दाढ़ी रखी, नमाजें बड़ी पढ़ता था, गोरा था, तो सारे मेरे मुसलमान दोस्त यार सारे बड़े खुश, देखो इस्लाम कबूल कर लिया और इतनी बड़ी दाढ़ी रखी, नमाजें थी, लंबा सा उसने चोगा पहना हुआ था अरबियों वाला, और वो था वो गोरा लिखन था कोई, तो बड़ा पढ़ रहा था, तो वो वहाँ ना उसको जाने ना दे बाहर इंडिया में, जाने ना दे, तो कुछ कभी कुछ करे आखिर कर क्या हुआ, दूसरे दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया, 3-4 दिन के बाद ऐसे हुआ, और उसने मुझे बताया कि मैं सोर ड्यूटी पे गया, कहता आपको था वो कौन क्या निकला, कहता वो तो स्मगलर निकला, वो तो चर्च लेके आया था, वो तो चर्सी है, और वो इतनी दाढ़ी रखी हुई थी। दाढ़ी रखने से बंदा ठीक नहीं होता, दाढ़ी रखने के बाद ठीक बंदा बन के दाढ़ी रख सकता है, तो हम दाढ़ियों और खतनों के पीछे नहीं पड़ते, हमारी तालीम जो है ये नहीं है। इसलिए पहली सवाल जो मैं आपका जवाब देना, हम क्यों मनाते हैं, हम खतने की वजह से नहीं मनाते। आइए ज़रा देखते हैं एक और आयत जिससे पलूस ने इस बात को खोल दिया है। अगर हम पढ़ें गलतियों के नाम पलूस का खत उसका 6 बाब उसका 14 आयत पढ़ें, 14 और 15, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूँ सवा अपने खुदाम यीशु मसीह की स्लीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना नामखतूनी बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, और जितने इस कायदा पर चलें उन्हें और खुदा के इसराइल को इत्मीनान रहम हासिल होता रहे। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले, आमीन। तो हम देखते हैं कि हमने किसी चीज़ पर जिस्मानी सूरत पर फ़ख्र नहीं करना चाहते, यह जिस्मानी सूरत है। हमने खतने वालों को सबसे ज़्यादा बदकार और बुरे और कातल और पता नहीं क्या क्या, आपको बताऊँ बहुत कुछ देखा है, सबसे ज़्यादा खतने की वजह से लोग ठीक नहीं होते, इसलिए वो सिर्फ इब्राहिम को दिया गया था, यहूदियों को भी नहीं दिया गया था, उससे पहले इब्राहिम को जो उसको अपना बाप कहते हैं उसको दिया गया था निशान के तौर पर, ऐद के तौर पर। जब नया ऐद आ गया, यीशु मसीह आ गया, तो वो नया ऐद का है रसूल है, उसने हमें नया ऐद दे दिया, और नया ऐद क्या है, स्लीप के वसीले से खुदा से मुलाकात करना। और फिर वो बार बार कलाम में लिखा कि खतना वो नहीं जिस्म जहरी हो या जिस्म का हो, तो खतना तो दिल का होना चाहिए, और हमारा दिल से अगर खतना है, खतने का मराद एक सिंबल था कि उसका जो पुरानी इंसान उसको काट दी जाती थी,
उसको हटा दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि अब हम रूहानी तौर पर हमारा खतना होता है। जब हम तौबा करते हैं, हमारे पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और हम यीशु के पास आते हैं और हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हमारी पुराना जो इंसानियत है वो हमेशा के लिए चली जाती है। आप परेशान हो जाएंगे, यार ये तो कैसा मज़ेदार काम है। भाई खतना हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ, उनके खतने होते हैं, क्यों कराते हैं? मेडिकली करा लेते हैं। जो शहरों के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो वैसे करा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। मेडिकल का तो अकल की बात है, इसमें रूहानियत की क्या बात है? इसमें तो तैयारियाँ भी कराते हैं, इसमें तो ऐसे लोग जो खुदा को नहीं मानते वो भी कराते हैं। तो खतने से तो आपको ज़्यादा सुपीरियर नहीं हो जाते, ना यहूदी ना कोई और लोग, कोई भी नहीं होता। मसीह भी आपको कहे जी मैंने खतना कराया हुआ, मैं ज़्यादा पाक हो गया हम ज़्यादा नहीं। इस जिस्मानी खतने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका दिल ही बुरा है, आपने खतना कराया, चोर हैं, झूठे हैं, लालची हैं, दिल ही नहीं बदला, आपकी पुरानी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई, आप मसीह के साथ मसलूब ही नहीं हुए, तो आपको इस खतना का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए इसमें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए साल का मुबारक तब है अगर आपका सबसे पहले खतना हो जाए। यीशु मसीह का जब खतना हुआ तो उसी काम उन्होंने क्या किया, वो जब खतना करते तो सिर्फ एक रस्म ही नहीं करते थे। आप याद रखिए कि खुदा यीशु मसीह सबसे पहली दफ़ा, अगर वो आपको पूछे पहली दफ़ा खुदा यीशु मसीह कब गए थे हैकल में, तो आपने क्या कहना है, जब वो 8 दिन का हुआ है। नहीं, ये भी गलत है। 8वें दिन यीशु मसीह को हैकल में नहीं लेके गए थे, ये याद रखना। मुझे पता आप में से बहुत लोग ऐसे जवाब दे देंगे कि जी पहली दफ़ा जब कहते 12 साल के होते। नहीं नहीं, आपने गौर नहीं कभी किया। ये भी सीख ले, थोड़ा सा इल्म भी सीख ले, बाइबल पढ़ा करें। तो आपको भी कई दफ़ा हम भी पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती, कोई समझाने वाला नहीं होता, या हम गौर ही नहीं करते। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फिर जब मूसा की शरीयत के मुताबिक पाक होने के दिन पूरे हो गए, तो पाक होने के दिन 40 दिन बाद पूरे हो गए थे। याद रखें, शरीयत के मुताबिक यीशु 40 दिन के बाद जब बच्चा था तो उसको आकर में लेकर गए थे यरूशलेम। जब खतना हुआ था वो उधर ही हो गया था, लोकल नासरत में, उस दिन ही गए थे। इसलिए हम पहले पहले मैं भी जब मैसेज सुनता था बड़े बड़े खुदा के खादमों को, तो वो बता रहे होते थे कि वो सारा ये वाक्य बता रहे थे कि उस दिन हुआ था, यानी नए साल वाले दिन। वो नए साल वाले दिन नहीं हुआ था, वो 40 दिन के बाद हुआ था, यरूशलेम वाला। इसलिए हम देखते हैं कि जब उसके दिन पूरे, उन्होंने खतना किया और कलाम में लिखा है कि उस दिन उसका नाम रखते थे वो। और यहाँ पर एक नाम में बड़ी खास बात आ रही है। एक नाम है, नाम तो पहले भी ये रखा जाता था, नाम पर लोग बहुत कहते अरे भाई नाम जो है ना इसमें बहुत खूबियाँ होती है। आज मैं नाम पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक पूरा मज़मून है, लेकिन आपको इतना बता दूँ कि नाम अगर खुदा ने दिया है आपको, कोई अगर आपको नाम को आसमान से नाम नहीं आते, याद रखना नाम इस दुनिया में इंसान को कहा गया, जो आदम था उसको अलाउ किया जिस जानवर का जो नाम रखा, और हर जबान में नाम फर्क है। एक ही जानवर को कोई लाइन बोलता है, कोई शेर बोलता है, कुछ और, मुझे बहुत जबानें नहीं आती, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो याद रखे वो इंसानों को कहा गया, लेकिन कुछ नाम होते हैं जो खुदा देता है, जिसके साथ वो खूबियां अटैच करता है। अब उन्होंने, फरिश्ता ने खुदा की तरफ से पैगाम दिया था कि उसका नाम यीशु रखना, लिखा हुआ जैसे उसके लिए कहा गया था, यीशु रखना। क्यों रखना यीशु? उसकी वजह थी कि यीशु नाम जो है, यानी ये शख्सियत जो है जो दुनिया में आ रही है, यशुआ पहले भी आपको पता ही होगा, इब्रानियों में यशुआ कहते हैं, और यशुआ जो था वो यशुआ दूसरा भी है जो मूसा के बाद आया था, और उसके अलावा यशुआ सरदार कैन भी गुजरा है जकरिया की किताब में, तो इसका नाम भी यशुआ रख दिया। तो फिर ये यूनिक कैसे होगा, डिफरेंट तो नहीं आया, कोई समान से नाम तो नहीं आया, नाम तो पहले चल रहा था। अरे भाई नाम की बात नहीं होती, नाम के मतलब और उसके मुताबिक करैक्टर और उसके मुताबिक खूबियां जो होती हैं उसकी वजह से नाम की वैल्यू होती है। आज आप इस साल में सीख लें, आप यीशु नाम लेते हैं, कईयों ने क्राइस्ट नाम इंग्लिश में रखा हुआ है, कईयों को मैंने सुना है क्राइस्ट नाम, कईयों आप जीसस भी रख लेते हैं, नाम तो कोई भी रख ले, कईयों ने इमानुएल भी रख लिया हुआ, कोई इमानुएल कहलाएगा, लेकिन इमानुएल के अंदर लिखा है कि कलाम में खुदा हमारे साथ, इसका मतलब है। अरे भाई कौन था खुदा की शक्ल में हमारे साथ? जब यीशु आया उसका नाम मैंने, वो तो हमारे साथ। तो आजकल कई लोग इमानुएल होते हैं और सबसे शरारती, सबसे बुरे भी होते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि नाम जो है, नाम सिर्फ नाम नाम ही नहीं करते, नाम के पीछे शख्सियत होती है, करैक्टर होता है, बिहेवियर होता है, खूबियां होती हैं, एटीट्यूड होते हैं। तो इसका नाम फरिश्ता ने कहा था कि उसका नाम यीशु रखना, उसका मतलब निजात देने वाला, उसका मतलब निजात भी है यीशु का मतलब। यीशु कहते हैं, कई लोग कहते हैं आप यीशु ना बोले, आप यीशु बोले,
यशुआ के नाम से बदबू नहीं निकलती। अरे भाई, हमने यशुआ के अलावा हमने यसु सुना। हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं, हमने अपनी जबान में यसु कहते थे। मैंने कितने को लाख से ज्यादा केस हुए हैं, ठीक, इससे भी ज्यादा हुए हैं। तो यसु के नाम में मैंने बुजुर्गों को दिया तो वो निकल गई। तो यसु का मतलब यशुआ कह लो या यशुआ के नाम में, या यसु के झगड़े न डाल। अगर आपको यशुआ अच्छा लगता है, बरानी आती है अच्छी लगती, तो वो बोल। अरे भाई, कई लोगों को जीसस ही कहते हैं। मैंने कई बुजुर्गों को अंग्रेजी में हुक्म दिया, मैंने अंग्रेजी में प्रीच किया, अंग्रेजी में हुक्म दिया इन द नेम ऑफ जीसस, तो निकल गई। अरे भाई, जीसस तो कईयों ने नाम रखा हुआ है, यशुआ तो कईयों ने नाम रखा हुआ है, यस्सु तो कईयों ने रखा हुआ है। अब ये जबान की बात नहीं, ये शख्सियत की बात है। किस आप शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे हैं? नए साल में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, अगर आप वाकई बरकत पाना चाहते हो तो ये सीख लो, नए साल में यशुआ शख्सियत जो है, जो कलमा खुदा है, खुदा का कलमा जो नासरत के शहर में रहा, बैतलहम में पैदा हुआ, और उसने यरूशलम में और इज़राइल में 33.5 साल इसमें फर्जन की गुजारी, लेकिन वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और 40 दिन तक नजर आता रहा, और 40 दिन के बाद वो आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। आप हैरान हो जाएंगे, समझ आई बात आपके? इसलिए यीशु नाम में कुदरत है। अरे भाई, यीशुआ नाम उस शख्सियत में कुदरत है। जब आपके अंदर वो यीशु होता है, आपको पता ना कि कुछ लोग थे, काहिन के बेटे थे, सरदार काहिन के, कहे लगे पलूस भी यीशु का नाम लेता है, तो मैं वो भी बदरुए निकाल लेता तो यीशु नाम में शायद बदरुए चली जाएंगी। तो उन्होंने एक बदरू वाले के बदरू निकालनी चाहिए, तो कलाम में लिखा कि जैसे उन्होंने बदरू को कह दिया कि उस यीशु के नाम जिसकी मनादी पलूस करता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, हम तुम्हें हुक्म देता है निकल जाओ, और लिखा उनके कपड़े फाड़ दिए बदरू ने, और भाग गया वो छोड़ के, उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसने एक फिक्रा बोला बदरू ने, शैतान भी जानता है, उसने कहा मैं पलूस को भी जानती हूँ और यीशु को भी, तो तुम कौन? अरे भाई, यीशु को जानने वाले लोग जो हैं, जब वो यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से कुदरत आती है। हालेलुया। हर एक को यीशु का नाम, यशुआ कह लें, जीसस कह लें, कुछ कह लें, बात उस शख्स की हो रही है जो कलमाए खुदा है, जो अजली खुदा है, और जो मुजस्सम हुआ है और फिर दोबारा बलाई है, और तमाम दुनिया में एक ही वक्त में मौजूद है। इस साल में आप चाहते हैं यशुआ का तजर्बा करना? इस साल में अगर आपने मजे लेने हैं तो यशुआ के, यसु के पीछे पड़ जाओ, कुछ बोल लो, लेकिन याद उसको करो, जिंदा खुदा को, खुदा सलूस फिल तहीद जो है, जिसमें बाप बेटा रूल कुदस है। तो यसु मसीह इस दुनिया में आए, और हम मसीही कहलाते हैं, और मसीह की वजह से, क्योंकि वो मसा किया गया था, उसका पूरा नाम था खुदावंद यसु मसीह नासरी है। तो खुदावंद भी है वो, मसीह भी है, और नासरी भी है। याद रखे, खुदावंद यसु मसीह, यसु भी यानी याद देने वाला, मसा किया गया है, और उसके नाम से आप बदरुह निकालेंगे, आप मौजे देखेंगे, आप निजात पाएंगे, आप निजात का पैगाम सुनाएंगे। आई लव द नेम ऑफ जीसस, मैं यसु के नाम को बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरा कोई चाचा का बेटा था या रिश्तेदार था, इसलिए कि वो खुदा है और मैं उस खुदा के कलाम को मानता हूँ, और मैंने उसका तजर्बा किया है, और मैंने उसे स्लीप पर भी देखा है, और उसने मेरी जिंदगी तब्दील की, और आपकी भी जिंदगी आज वही मसीह मसलूब, जो मसलूब हो गया था, जो नासरत का रहने वाला था। हम झूठे मसीहों को नहीं मानते, हम झूठे यसुओं को नहीं मानते, हम किसी झूठे मसीह को जो अपने एक मसीह होने का दावा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि आखिरी जमाने में बहुत से झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे, अपने आप को मसीह कहेंगे, अपने आप को यसु भी कहेंगे, और खुदा उनके नाम से आएंगे, उसके नाम से आने की कोशिश करेंगे। नो, वी डोंट बिलीव इन दैट। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं तमाम सुनने वालों के, साल में आपने झूठे मसीहों के नहीं सुननी, आपने उन लोगों के सुननी है जो यसु को मानते हैं, यसु जो बाइबल मुकद्दस में जिसका जिक्र है, जो मसलूब हुआ था, जो जिंदा हुआ, जो आसमान पर चढ़ गया, और जो आज भी जिंदा है, जो लोगों को नजर भी आ रहा है ख्वाब में, रोया में, डायरेक्ट, और बदल रहा है, मौजे कर रहा है, जिसके नाम में कुदरत है। इसलिए ये है नया साल, ऐसे थोड़ा मजा आता है, मुझे तो मजा नहीं आता चावल खाने से, थोड़ा चावल तो कई दफा खाते हैं, कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, कभी बुरे, कभी घर में बड़े अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी बुरे भी बन जाते हैं। वो चावल खाने से थोड़ा नया साल होता है, तो कपड़े पहन से थोड़ा नया साल होता है, डांस करने से, शराब पीने से थोड़ा नया साल होता है। नया साल तो होता है जब आपकी यीशु के साथ मुलाकात हो जाती है, नई पैदाइश मिल जाती है, नई जिंदगी मिल जाती है। आप चाहते हो कि आपको ऐसा ही हो? वो आपको नई खुशखबरी है,
नई चीजें मिल जाएंगी। नए साल में हर बंदा नई चीजें पसंद करता है। आप पुरानी जिंदगी में रहना चाहते हो? पुरानी तो कपड़े भी अच्छे नहीं आपको लगते, पुरानी जूतियां नहीं अच्छी लगती आपको, पुरानी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो पुरानी इंसानियत क्यों पसंद है? अरे पुरानी इंसानियत दुख ही दुख है, लड़ाइयां लड़ाइयां हैं, झगड़े ही झगड़े हैं, गुनाह ही गुनाह है, परेशानी परेशानी है, जन्नम ही जन्नम है। अगर मर गए तो सीधे जन्नम में जाएंगे, पुरानी इंसानियत से क्या फायदा? इसलिए मैं आज आपको दावा देता हूँ इस पैगाम के वसीला से कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम के मुताबिक सच्चे दिल से तौबा कर लो और आज कहो कि खुदा मेरा भी दिल का खतना कर दे और मैं तेरे साथ मसलूब हो जाना चाहता हूँ और मैं अपनी जिंदगी तुझे दे देती हूँ, तुझे दे देता हूँ। और आज सलीब पर जो फदा तूने पाई थी, तूने शैतान का पूरे तौर से बरमला तमाशा बनाया था, फतायाबी का शादना बजाया था उसमें, तूने खुदावन मेरे खिलाफ जितनी दस्तावेज थी उसको मिटा डाला था। आज मैं तेरे लहू को, तेरी मसलूबियत को, तेरे जिंदा होने को कबूल करता हूँ। मैं ऐसे यीशु को कबूल नहीं करता जिस नहीं चढ़ा, मैं ऐसे यीशु को कबूल नहीं करता जो पता नहीं किसी ने अपनी तरफ से बना लिया, ये हो गया तो वो हो गया तो फलाना हो गया। मैं उस यीशु को जानता हूँ जो जिंदा है, जो नजर आता है, जो लामहदूद है, जो खुदा है, जो कहता है कि अगर आपने मुझे देखा तो खुदा को देखा, बाप को देखा, जो अपने दावे करता है, जिसकी तालीम इस दुनिया में सबसे ऊंची है, जिसकी कुदरत इस दुनिया में सबसे बड़ी है। आपको पता है कि कई बार हमारे पास ऐसे गैर मसीह लोग आए, कहने लगे जी असी बड़ी जगह पीरां फकीरां को गुरुआं को पता नहीं कितने कितने गए हैं, ए आजाद ही नहीं साड़ी कुड़ी होती, साड़ा मुंडा आजाद ही है ना, जिन्ना तंग कर बदरुआ तंग कर दी, ये करते वो करते, ये सारे ने कहा जी किसी मसीह को जाओ। अरे भाई मसीह भी बड़ी किस्म के है, किसी सही के पास जाना जो बाइबल के मुताबिक है, जो बाइबल को मानता है, जो बाइबल पर चलता है, जो बाइबल को तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, रूह कुदस पाता है, खुदा की जिंदगी बसर करता है, पाक जिंदगी बसर करता है, उसके पास जाना है। कहने लगे जी साढ़े को तो नहीं निकल सकिया, वो मसीह किसी को ला जो, और उनको पता है कि यीशु मसीह नासरी का नाम सब नामों से आला है, और कलाम में लिखा है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुशियां आएं? आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैंने बड़े मौजे देखे हैं, मुझे यकीन है आज भी मौजे होंगे अगर आप यीशु को कबूल कर लेंगे। जैसे आप कबूल कर, आपका कनेक्शन हो जाएगा और यीशु के लहू और उसके साथ मसलूब होने की वजह से आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे, आप ईमान के साथ उसके कफारा को कबूल करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और फिर आप खुदा से पाकरू मांगेंगे। और इन दोनों में यीशु मसीह ने पाकरू भेज दिया हुआ है। जब आप मांगेंगे तो वो इस फजा में तो है, ला में दूध है खुदा, और खुदा का रूह हर जगह मौजूद, लेकिन वो आपके अंदर आएगा, वो आपको भर देगा, वो आपको खुशी से, सुकून से, खुश कुदरत से, मसा से भर देगा। और फिर कभी कभी पाकरू इतना बैप्टिज्म देता है, पाकरू का बैप्टिज्म से कहते हैं, गैर जबाने आएंगे, आसमानी जबाने जो आपने कभी नहीं सीखी, आपके अंदर ऐसी कुदरत आ जाएगी। मैं आपको बड़ी गवाहियां सुना सकता, वक्त नहीं है, मैं सिर्फ इस बात पर रहना चाहता हूँ कि आज आपको मैं चाहता हूँ इस नए साल में आप दाखिल होते ये सारी बरकतें ले लो। जब आपको यीशु मिल गया, पाखरू भी मिलेगा उसके साथ, और पाखरू जब आएगा उसका बपतिस्मा मिलेगा, उसका मसा मिलेगा, उसकी बरकतें मिलेंगी, उसकी नेमतें मिलेंगी, और उसका रूह का फल जो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा और लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, खुदा आपको पसंद करना शुरू कर देगा। सिर्फ एक आपको नफरत करेगा और वो शैतान है, और शैतान के लोग भी आपसे नफरत करेंगे, लेकिन खुदा आपको बड़ा प्यार करेगा, खुदा के लोग भी आपको बड़ा प्यार करेंगे। फरिश्ते जो खुदा के वो बड़े खुश होंगे, शैतान के फरिश्ते जलेंगे और उनको तकलीफ होगी जब आप यीशु को कबूल करोगे। ये है नया साल, इस नए साल में ध्यान से सुन ले, खुदा हमदा आपकी जिंदगी के वसीले से बहुत काम करने वाला है। खुदा इस साल में नई नई बरकतें आपको देने वाला है। गॉड इज गोइंग टू ओपन द हेवंस टू यू, और खुदा आसमान को आप पर खोल देगा जो कभी आपने खुला नहीं देखा। आप खुदा के, आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा और खुदा के फरिश्तों को देख सकते हो। आप रूहानी आलम में बहुत कुछ देख सकोगे और आपके वसीला से बेशुमार लोग तौबा करना शुरू करेंगे। इसलिए डैनियल, तू जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल में हो और बहुत रोते हो और दुआ भी करते हो लेकिन परसिस्टेंट नहीं हो, मुश्किल मिजाज नहीं हो, आप किस चीज़ में कायम नहीं रहते, कभी इधर भागते कभी उधर भागते, कभी कभी बिल्कुल ही खुदा के साथ कभी बिल्कुल ही, अपनी जिंदगी को ठीक कर लो, उसके कदमों में झुक जाओ और अपनी जिंदगी दे दो, तो आपकी जिंदगी के वसीला से खुदा इस साल में काम शुरू कर देगा। याद रहे बयान तबीता, आप जो बार बार दुआ कर रही हो कि खुदावंद मेरी जिंदगी में क्यों वो चेंज नहीं आती, क्योंकि आप बहुत से और बुतों को भी मानती हो, आप बहुत से और देवी देवताओं की पूजा करती हो, आप यीशु को भी पुकारती हो। खुदा कहता है कि मेरे अलावा कोई मबूद नहीं है, सब
हाथों के बनाए हुए, ना वो देखते हैं ना वो सुनते हैं। अपने गुनाह से तौबा कीजिए। क्या यीशु, आज मैं तौबा करती हूँ, तेरे अलावा मैं किसी के दर पर नहीं जाऊँगी, तू मेरी मदद के लिए आ। और वो जिंदा है, वो आपके पास आएगा, वो आपकी ज़िंदगी को ठीक कर देगा। याद रखें, खुदावन जो है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, खुदावन जो है वो अजीब तरह से काम कर रहा है इस वक्त। आप जो मुझे सुन रहे हो, भाई जी तुहानू समझ नहीं आ रही, तुसी बड़े गौर ना सुन रहे हो, कई के लफ्ज़ तुहानू मुश्किल लगन दे ने। मैं जो कलाम की गल करने ते मैं प्रभु के शब्दों की गल करन दे आया, यानी अंजीले मुकदस की, जेड़े मसीहा की किताब है, जिस यीशु मसीह का जिक्र है। अगर तुम चाहते हो छुटकारा पाना है, जेडे तुहानू इन्ने दौरे पैंदे ने, सारा कुछ हुंदा है, तो लभ रहे हो सच्चाई नूं, तो फिर इहो राह जी, बाइबल कितो लवो, अंजील लवो, पंजाबी तुम मिल जाएगी, उन पढ़ो तो तुम खुदा शिफा दे देगा। इसे भाई सिंह साहब, तुसी बड़ा अपने आप पक्के हो, बड़ा कुछ वेख्या जे, लेकिन हुण यीशु वल आके वेखो। प्रभु तुहानू तुहाडी सार सचमुच तुहानू प्रीत सिंह ही बना देगा, तुसी हैरान ही हो जाओगे। यानी ऐसा शिगिरद बना देगा जिहड़ा प्यार करेगा, और यीशु नूं भी प्यार करेगा, तो लोगों नूं प्यार करेगा। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੀ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੀ ਭੌੜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਹੈਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਾਹਦ ਇਕੱਲਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਰਿਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈਏ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੇ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਾਲ ਅਪੋਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਐਂਡ ਆਸਕ ਹਿਮ, ਲਾਰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਈਅਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੈ, प्रभु मैं तेरे कदमों में आता हूँ, यीशु नासरी में तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे कदमों में अपना आप डाल देती हूँ। लॉर्ड आई कमिट टू यू, आई सबमिट टू यू, होली स्पिरिट कम डाउन एंड चेंज माई लाइफ, कम इन माई लाइफ एंड चेंज मी एंड वॉश मी विद द ब्लड ऑफ जीसस। जीसस इज वॉशिंग यू विद द ब्लड। आई सी द ब्लड ऑफ जीसस कमिंग इन योर हाउसेस, आई सी द ब्लड ऑफ जीसस कमिंग ऑन मैनी पीपल हु आर लिसनिंग। आई सी के बड़े खुदा के लोग अपने आप को, मैं किसी खुदा के खादम को देख रहा हूँ कि वो खुदा के साथ है लेकिन वो गुनाह में गिर चुका है, और अब वो मुझे सुन रहा है, और खुदा आपको दोबारा बुला रहा है। तूने उसे जख्मी किया, तूने फिर से उसको जलील किया, तूने उसके खून को पमाल किया है। तेरा नाम रॉबर्ट है, और तू जहर तौर पर नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर रियाकार है, और लोगों को तू कुछ और दिखाता है, लेकिन याद रखो कि अंदर तू गुनाह में गिर चुका है। उस गुनाह से तौबा कर, खुदा तुझे बहाल करना चाहता है, और खुदा तेरी ज़िंदगी में जीव काम करना चाहता है, दम तेरे वसीले से जीव काम करना चाहता है, खुदा फिर से तुझे बहाल करना चाहता है। अपनी बीवी को माफ़ कर, और अपनी बीवी के साथ दोबारा मेल मिलाप कर, खुदा तुझे माफ़ करना चाहता है, खुदा तेरी ज़िंदगी बदलना चाहता है, खुदा तेरी खिदमत को बहाल करना चाहता है। दुआ करना शुरू करें, जितने भी सुने बच्चों आप भी दुआ करो। मैं देख रहा हूँ कि 3 जवान हैं जो मुख्तलिफ जगह पर हैं, और 3 मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हैं, एक कतल लेक इंडिया के साथ है, और एक जो है वो मलेशिया में कहीं बैठा हुआ है, वो ये कलाम सुन रहा है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि खुदामंद एक और भाई है जो बहुत ही ज़्यादा किसी बड़े रिमोट से एरिया में रहता है, बड़े पसमंदा से, जिन्हों कही दा है पुराना जहाँ नेपाल दे विच, और बड़ा गुरबत दे विच, लेकिन वो भी किसी के घर बैठ के वेखन दिया, खुदा उन्होंने बरकत देना चाहता है। कम टू जीसस, यीशु के पास आ जाइए, कहिए खुदा मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, मुझे इन सारे जनभूतों से, झूठी तालीमों से, झूठे मजहबों से, झूठे नबियों से, झूठे उस्तादों से, और झूठे मबशरों से, और झूठे लोगों से छुड़ा लें, इन इब्लीस की ताकतों से जो झूठियाँ, क्योंकि शैतान झूठा है, और वो नौरानी फरिश्ते की शक्ल भी धार लेता है। आपकी जान छुट जाएगी, आपने जो पूजा पाठ किया उसको छोड़ दीजिए, आप जो वर्शिप करते रहे, आप जो मनते मानते रहे, आप जो देगे चढ़ाते रहे, आपने बड़ा काम गलत किया है। खुदा हमको कहे, खुदा मुझे माफ़ कर दे। आपको यहाँ कोई देख देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ मुफ्त में निजात पाओ, मुफ्त में मुक्ति पाओ, मुफ्त में बच जाओ, और खुदा आपके गुनाह माफ़ कर रहा है। हालेलुया, इस नए साल में खुदा आपके लिए नए नए काम करेगा, खुदा हमदा आपको बरकत दे रहा है, खुदा हमदा आपकी ज़िंदगी में जीव काम कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि कई औरतों के अंदर से, आदमियों के अंदर से वो बीमारियाँ जो हैं
वो मुझे काले रंग के पूछे ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं कि वो उनके बदनों से निकल कर भाग रही हूँ। खुदामंद आपको शिफा दे रहा है, खुदामंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़े कर रहा है, अपने आप को खुदाम के हाथों कहो, खुदाम यीशु अपने लव से मुझे दो डाल और मैं यीशु के नाम से इन तमाम बीमारियों को, कमजोरियों को, अपनीस के कामों को हुक्म देता हूँ, कम आउट, निकल जाओ इनकी ज़िंदगी में से। और आज के बाद इनका ये नया साल जो है ये नई ज़िंदगी के साथ होगा, नए तजर्बों के साथ होगा, जो रूहानी तजर्बे होंगे, नई रूह के साथ होगा जो खुदा इनमें फूंक देगा और नए नए काम खुदा इनकी ज़िंदगी में करेगा और नए नए लोगों से खुदा कह रहा है मिलाऊँगा आप में से बहुतों को। और मैं देख रहा हूँ कुछ जवान है जिनको खुदा खिदमत के लिए तैयार कर रहा है और इस साल में उनकी ज़िंदगी वो बच जाएगी। और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो इस साल में खुदा उनको उठाने वाला है, ये नए साल के अंदर 2021 में। आप तैयार हो जाइए, आप अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दीजिए। आप बहुत बीमार रहते हो, कुछ लोग बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और अचानक उनकी डेथ होगी। आप तैयार हो जाए, तौबा कर लें, जितने भी सुन रहे हैं, अगर आपको खुदा कर छू रहा तो आपके लिए पैगाम है, आप सच्चे दिल से तौबा कर लें और खुदा के कदमों में बैठ जाएँ और दिन रात दुआ में गुजारें, ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारें, पूरी बातें छोड़ दें, यस्सु के लहू से धुल जाएँ, ताकि जब आपकी मौत वाकई हो तो आप सीधे आसमान पर खुदा के पास जाओ, ना कि जहन्नम में जाओ, ना कि टेम्प्रेरी हेल में वहाँ तड़पने के लिए जाओ। खुदामंद आपको शिफा दे रहा है, खुदामंद आपको बरकत दे रहा है, खुदा आपको निजात दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूँ कुछ बहन भाई हैं, उनका कारोबार बंधा हुआ है और वो कह रहे हैं कि क्या हमारा कारोबार भी खुल सकता है। हाँ, खुल सकता है, लेकिन उस वक्त जब आप सच्चे दिल से खुदा की पूजा शुरू करोगे, खुदा उनको मानना शुरू करोगे, उसके लोगों में जाना शुरू करोगे और खुदा जो कुछ आपको खुदा के नाम पर खुदा के जलाल के लिए देने को कहेगा जब वो लोग, तो आप देखोगे खुदा आप साथ बोलेगा ख्वाब में, रोया में, मुख्तलिफ तरीकों से, और खुदा आपको भारेगा। और जब खुदा आपको देने के लिए कहेगा तो आपके कारोबार में वो सारी जो नुकसान हुए हैं, मुश्किलें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, वो जो बड़ा डिप्रेशन में आप चले गए, नीचे चले गए, बहुत मुश्किल में चले गए, खुदा आपके कारोबार को बहाल कर रहा है, खुदा हम एक नए काम कर रहा है आपके ख़ानदान में, खुदा हम आपकी ज़िंदगी से और आपके ख़ानदान से ऐसी चीज़ों को दूर कर रहा है जो जिन्होंने आपको बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, ऐसी शख्सियतों को आपसे लादा करेगा इस साल में। और खुदा बहुत से जवान बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बेटियों को, बेटों को, जो एक नई आग लेकर खुदा के लिए निकलेंगे, और ये कई मुल्कों में है, ये एक मुल्क के नहीं है, मैं मुख्तलिफ शक्लें देख रहा हूँ और मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ जगहों पर, और मुख्तलिफ स्टेटस, जिसे कहते हैं स्टेटस होता है, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ पढ़ होते हैं, कुछ बड़े अच्छे अमीर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, मैं हर तरह के लोगों को देख रहा हूँ। गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस इन 2021 और एक नई ब्लेसिंग के साथ आपके वसीले से लोगों को खुदा बरकत देगा। खुदा हम इस वक्त में तेरा खादम होते हुए तेरा दास हूँ दिया प्रभु, मैं इस वक्त इन्हें सारे सुनने वालों जो जो सामीन हैं, जो जो खुदा हम ऑडियंस हैं, जो जो सुन रहे हैं या खुदा हम देख रहे हैं, खुदा आज यीशु के नाम में बच्चों से लेकर बड़ों तक हर शख्स जब वो सुने तेरा जलाल उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाए, यीशु के नाम में प्लीज की सारी ताकतों को कब्ज़ देता हूँ, उन घरानों को छोड़ दे, ये बीमारियाँ उठाएँ, परेशानियाँ उठाएँ, मुश्किलें उठाएँ और यीशु के नाम में इनको आज़ाद कर दें। और खुदा आज के बाद तेरी पाक रुकी बारिश घरों पर हो, इन जिंदगियों पर हो, तेरे नाम को जलाल मिले। अब आप मेरे दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस नए साल के लिए, हम तेरे बहुत ही शुक्रगुजार हैं अब्बा जी, आप हमारे अब्बा हैं ना, तो यीशु के नाम में आप हमारी दुआ सुनते हैं और आपने हमारी दुआ को सुन ली है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं, वी आर थैंकफुल टू यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, पितरात्मा, तू हम सब पर कंट्रोल कर और हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह इस साल में अपने हाथों में ले और हमारे वसीला से तेरी ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जो तेरे पाक रूह के दरिया हमें से बहें और जितने लोग सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहें, ताकि बहुत से लोग सराब हो जाए रूहानी तौर पर और उनकी ज़िंदगी में एक नया काम हो। तेरा शुक्र हो कि तू सराब में नदियाँ जारी करने के लिए राज़ी है, हम इसको कबूल करते हैं, हम विश्वास करते हैं खुदा तुझ पर, विश्वास लाते हैं रब, हम ईमान लाते हैं और यीशु के नाम में कबूल करते हैं इन मौज़ों को, ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, लेते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप दुआ करते रहिए और इंजील ज़रूर खरीदिए, अगर आपने कभी इंजील नहीं पढ़ी, इंजील खरीदें पहले, और ख़ासकर यूहन्ना दी पोथी जड़ी है वो ताडे वास्ते बड़ी अच्छी रहेगी, किसे मसीह दे को लाओ और उन्हें पढ़ना शुरू करो, और अगर आप न किसी ऐसे मुल्क में है तो आपको मिलती, कि आपको कहीं नहीं मिलती तो आपके पास सेल है, उसके ऊपर आप उतार सकते हैं, आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें और जैसे जैसे बाइबल पढ़ेंगे खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजे पे मौजे करता है। ये साल बड़ा ज़बरदस्त साल है, खुदा आप सबको बरकत दे, थैंक यू वेरी मच, ये साल आपके लिए बहुत बरकत का सबब, अपनी मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।